धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मेरे पास कल कई बार फोन आया और सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। कई मित्र मंडलियों ने कहा कि पंड जी, आपका सब्सक्राइबर 1,00,000 हो गया है। तो 1,00,000 सब्सक्राइबर होने की बधाई और श्रेय जो हमारी इस पेज को हैंडल करते हैं, मैं उन्हें देना चाहता हूं। कारण, मैं इंटरनेट जगत में आज से नहीं हूं, अपितु 2008 से मैं इस काम को कर रहा था। ट्रूथ विजडम 2008 जरूर आप लोगों ने देखा होगा बहुत पहले। ट्रूथ विजडम 2008 जो मेरे नाम से ही बना हुआ था, लेकिन बनाने वाले कोई दूसरे थे, उन्होंने पासवर्ड दिया नहीं, तो वो निरस्त हो जाने के बाद फिर मैं एक काम शुरू किया अपने हिसाब से अलग से, और वो भी मैं इस जगह नहीं आ पाया था जहां के आज वीडियो लगता है कि एनालिस्टिक क्या होता है, उस पर मैं नहीं था उन दिनों। अब मैं उसमें जो आया हूं, तो मेरा हैंडल जो प्रस्तुत करते हैं इस काम को, या इस काम को जो हैंडल करते हैं, मेरे वीडियो जो लगाते हैं, मैं ये सारा श्रेय उन्हें देना चाहता हूं। मैं उन्हीं के लिए ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर वो ना हमें प्रस्तुत करते होते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा उनके लिए। उन बेचारों ने बहुत परिश्रम किया मेरे लिए कि पंडित जी, आप काम कर रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन जहां आपको पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए। जबकि मेरे बाद बहुत से लोग आए इस काम को करने के लिए, उन लोगों के सब्सक्राइबर हमसे 4 गुना है, तथापि मैं मायूस नहीं हूं। मैं शुक्रगुजार हूं परमपिता परमात्मा का कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में लोगों ने मुझे जाना है, पहचाना है, लोगों ने मुझे सुनना पसंद किया है। मेरा एक तो सब्सक्राइब ना बढ़ने का कारण यह है कि कोई भी वीडियो मेरा 2-5 मिनट 10 मिनट का नहीं है, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा का है। तो इतने देर तक समय किन के पास है जो लोग बैठेंगे, इसलिए भी कम है। खैर, इससे मैं मायूस नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि पंडित जी, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी कुछ कहीं आवाज नहीं है तो कहीं कुछ है। आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे पुराने पुराने वीडियो है ना, वो मैं कहीं सड़क के पटरी पर बोल रहा हूं, कहीं रेल लाइन के किनारे खड़ा होकर के बोल रहा हूं, ऐसे ऐसा करके हमने बनाया है। क्योंकि मैं पहले से ही बोल रखा था, बहुत पहले से ही बोलता आया हूं कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी चाहते हैं और सही अर्थों में इसको आप लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन वो व्यवस्था तो आज तक नहीं हो पाई और ना होना संभव है। खैर, मैं कुछ किसी पर दोष नहीं लगाता। हमारे समाज में बात बनाने वाले बहुत हैं, काम करने वाले बहुत कम हैं। अगर सही अर्थ में सब अपने जिम्मेदारी को निभाते होते, सब काम करते होते, तो ये नौबती क्यों आती। इसलिए ये सारा काम हुआ है, कोई बात नहीं। पर मैं तो दुनिया वालों से ये कहता हूं कि भाई, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन मेरे विचार क्या है, विचारों को देखिए ना। वीडियो की क्वालिटी क्यों देख रहे हैं, मेरे विचारों को देखिए कि विचार में क्या पा रहे हैं आप लोग, विचार में क्या है। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी नाव जर्जर ही सही,
पर लहर से टकराती तो है। तो लहर से टक्कर लेने का काम महेंद्र पाल आर्य ने किया है, ये आप लोगों को सारा श्रेय जाता है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि इसी प्रकार हम लोगों का स्नेह प्यार बना रहे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करें और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को औरों तक पहुँचा सके, और सब ये जिम्मेदारी निभाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इसी आशा और आकांक्षा के साथ मैं वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। छोटा सा विचार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना बड़ा ही युक्तियुक्त समझा, इसलिए मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।